हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर जादू। तो भाई सब आ चुके हैं एक और न्यू पालबड़ के एपिसोड के साथ। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपने अनुबिस की ब्रीडिंग। तो गाइस, इसी ही एपिसोड में ब्रीडिंग भी करेंगे, अंडा भी लेंगे और गाइस मीटिंग भी कराएंगे, सारे के साथ करेंगे। तो भाई साहब, अनुबिस के लिए जो गाइस मुझे पोकेमोन्स की रिक्वायर है, भाई साहब एक तो है ये मतलब रिलैक्सासोरस और दूसरा है गाइस जो है ब्रॉन्चेरी। इन दोनों के मिलने से ही भाई साहब अपना जो है अनुबिस निकल के आएगा। और गाइस, मैं बहुत ज़्यादा अनुबिस बनाने वाला हूँ, क्योंकि अनुबिस जो भाई साहब ऑलराउंडर और भाई साहब गॉड पोकेमोन है, गॉड, बहुत ही खतरनाक पोकेमोन है। तो बड़ा यार, एक काम करते हैं, अपने जो पाल बॉक्स में डाल देते हैं अपने पोकेमोन ब्रॉन्चेरी और रिलैक्सासोरस। खाली रिलैक्सासोरस, अगर आप रिलैक्सासोरस लक्स डालोगे तो भाई साहब कोई भी सड़ा हुआ अंडा मिल जाएगा। अंडा तो मिल जाएगा, मेल फीमेल डालोगे, लेकिन गाइस वो लेजेंडरी एग नहीं मिलेगा, मतलब यूज एग आपको नहीं मिलेगा। तो उठाते हैं भैया रिलैक्सासोरस लक्स को। चल बेटा, कहाँ को जा रहा है भाई साहब, देख रहे हो कितने भारी को उठा के ले जा रहा हूँ, मतलब मेरे हाथ में भी दर्द नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना गाइस, एकदम। तो गाइस इसको डाल देते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद में हमें चाहिए है ब्रॉन्चेरी। तो भाई ब्रॉन्चेरी देख लेते हैं ये क्या है भाई, ये अपना है फीमेल। भैया रिलैक्सासोरस फीमेल है, क्या बात है। तो बड़े चलते हैं ब्रॉन्चेरी की तरह भाई। हाँ ये है भाई, देख रहा हूँ खेती बाड़ी कर रही है भाई, बहुत समझदार लड़की है, बहुत ही प्यारी। आजा भाई उठा ले, इसको तो उठाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। आएगा आएगा, थोड़ा निकल वहाँ से, निकल निकल निकल। क्या कर रही है भाई, मतलब बीज बो रही है भाई, बहुत भाई, एक मिनट निकल आ गया। फटाफट इसको भी डालते हैं, काम करते हैं ब्रीडिंग बॉक्स में। और गाइस ब्रीडिंग बॉक्स में ये लोग तो अंडा देने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, मीटिंग तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन गाइस जो इनके लिए केक बनता है यार, वो बहुत ही ज़्यादा वक्त लेता है यार। केक बनने में बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम। तो फटाफट यार एक बार हमें केक की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या सामान हमें चाहिए। जब तक यार हमारा रिलैक्सासोरस एंड ब्रॉन्चेरी कर रहे हैं भाई साहब अंडे देने की तैयारी, तब तक हम क्यों ना कुछ टर्टोइस पकड़ लेते हैं, कछुए। जी बिल्कुल सही सुना, कछुए जो है गाइस एक नंबर के माइनिंग पाल्स हैं भाई। माइनिंग के लिए कछुए ऊपर ही ओपी हैं, और मैंने एक अपना अलग बेस बनाया है जहाँ पर सिर्फ मैं इंगट की माइनिंग करता हूँ गाइस। इंगट के लिए भाई साहब मैंने कछुए पकड़ रखे हैं, और गाइस मैं ट्राई करूँगा आज ज़्यादा से ज़्यादा कछुए पकड़ने का, जितने हाई लेवल के मिल जाए उतने ही बढ़िया है गाइस। हमको आज ये मान लीजिए गाइस, अगर 40 लेवल का भी कछुआ मिलेगा हम उसको पकड़ लेंगे। लेकिन गाइस ये जो इलाका है ये है हमारे गॉड अनुबिस का, मतलब बॉस अनुबिस, जंगली बॉस भाई, एक नंबर का अनुबिस है भाई ये। इससे तो लड़ेंगे नहीं फिलहाल, से कोशिश यही रहेगी दूर दूर रहें। तो फटाफट यार कोई एक आध कछुआ ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद वगैरह इसको फटाफट यार पकड़ लेते हैं। और एक यार जितने कछुए मिलेंगे सारे कछुए पकड़ेंगे, और भाई साहब अपने माइनिंग वाले अड्डे पर ले जा करके छोड़ देंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए और इकट्ठा कर सकें। तो हमको यार एक टर्टोइस मिल चुका है सामने, जो कि गाइस ज़्यादा हाई लेवल का तो नहीं है, बस 20-21 लेवल का चलेगा गाइस, कोई बात नहीं गाइस। तो हमें कोशिश करना है इसको बिना मारे पकड़ना है गाइस, क्योंकि यार मिलते तो हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं मिलते। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना हाई साइड मिले, मेरा फैंगलोर कितना उसे लड़ रहा है गाइस, एसिड की बारिश करा दी गाइस, एसिड की बारिश। तो मैं काम करता हूँ अपनी बंदू बंदू का सेट कर लेता हूँ गाइस, मेरे उसके बाद थोड़ी थोड़ी थी भाई, मार फैंगलोर भाई। ये देखो इसका हेडशॉट भाई, हालांकि इसका डैमेज रिलोडिंग बहुत लेट है, लेकिन गाइस इसकी साउंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका मोलता धनी से एकदम भाई। मेरे पास और भी 2-3 गन हैं, लेकिन मैं मोस्टली इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि गाइस इसका जो है यार मर गया है, अरे मैंने मेगा फेंकी है, मर जाएगा भाई, उसको पता एसिड रैन हो गई भाई, मैंने मेगा बॉल फेंकी है गाइस। मैं गलती करता हूँ यार, मुझे जो मेरे जरूरत वाले पोकेमोन है ना उनके ऊपर मेगा नहीं गीगा स्फीयर फेंकना चाहिए, ताकि वो एक ही बार में आ जाए। सामने मुझे एक और कछुआ दिख चुका है, तो बिना टाइम के भाई शायद इसको पकड़ लेते हैं। और गाइस अब की बार कोई भी गलती नहीं करेंगे, अब की बार ट्राई करेंगे कि गीगा स्फीयर फेंके और गाइस इसको पकड़ लें। लेकिन आसपास और भी पोकेमोन है गाइस, साइनी पोकेमोन भी आते हैं, तो भाई 19 लेवल का है। लेकिन गाइस मैंने अपना बीकन छोड़ दिया, बीकन ने एक झटके में इसकी चमड़ी को धो लिया। तो फटाफट यार मैं भी एक आधे शॉट मारते रहता हूँ भाई। कछुआ भाई माइनिंग का गॉड है भाई, माइनिंग गॉड है भाई, लेकिन अभी तो बच्चा है यार ये, अभी तो भाई बहुत 40-50 लेवल का मार भाई सब करो क्या गलती। फिर मैंने मेरे खेती यार रे यार आएगा कि नहीं आएगा। चलो इसी साल हमारे पास 3 टोटल टर्टोइस हो चुके हैं गाइस, हमें टोटल 10-12 पकड़ना है। तो फिलहाल के लिए गाइस एक काम करते हैं, आगे और भी टर्टोइस होंगे उनको ढूंढने चलते हैं। तो यार गाइस सीन दरअसल क्या यार, जो कछुआ है ना ये सामने भाई सब, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा लेवल भी इसका 21 है। तो हमारे काम करते हैं फैंगलोर को छोड़ देते हैं, और भाई साहब इसको भी पकड़ लेते हैं जैसे जैसे गाइस। और आपके बारे में मेगा स्पीयर नहीं फेंकने वाला हूँ, मैं फेंकूँगा गीगा स्पीयर भाई साहब, बोल तो गोल्डन बॉल गाइस, ये हमारा
हॉल इससे बड़ा वाला भी है मेरे पास गए जो खाली प्लेस हॉल है फ्लाई टाइप का प्रॉपर मार दिया तुम्हारी भैंस की टांग निकालो नल्लो मार ही दे तो यार बेचारे को मुश्किल से मिल रहा है तो उसको भी मार दे रहे यार लेवेंडर भाई साहब दिख चुकी है तो क्यों ना गाइस इसको पकड़ा जाए ये लेवेंडर भी भाई साहब कई ब्रीडिंग में हेल्प करती है क्योंकि फीमेल पोकेमोन है तो बहुत जगह ये भाई साहब जो है ब्रीडिंग में काम में आती है तो क्यों ना इसको पकड़ लेते हैं गाइस ये तो मेगा में आती है 100% आएगी मेगा में क्या अच्छा है नहीं आएगी क्या मेगा मैं नहीं फेंकने वाला हूँ यार इसको पर क्योंकि मैं उसी बच्ची मेगा आ जाए अब तो आ जा बच्चा आ जाए तो आ ही जाएगी यार क्या बकसूरी है भाई साहब भाई बहुत दिक्कत होती है स्पेयर बनाने में भाई आप लोगों को लग रहा है कि 10-10, 12-12, 20-20 पड़ी है ये 20-20 बनाने के लिए 20-20 घंटे लगते हैं बनाने के लिए लिटरली बता रहा हूँ एक और लेवेंडर है शॉट ने भाई बीकन को भेजा शॉट ने अम्मा जवाब हो जाएगी भाई अब तो अरे मार ये तुम्हारी माइक मार दे तो यार एक्सप्रेस हो रहा है इनको बिल्कुल ही हमने भी परेशान नहीं किया पहले सारे पोकेमॉन पकड़ लिए तब कछु को बचा लिया कछु को भी हम शुरुआत की जाने को भाई मारने नहीं देते हालांकि गीगा स्पेयर तो मरेगा तो नहीं मैं अपने पोकेमॉन को बुला लेता हूँ यार मार देते साले मतलब पूरा पूरा मार देते हैं गोली मारी है राजा तुझे जन्नत घुमाऊं मैं वेलकम इन डॉक्टर जादू इन्वेंटरी एक्सपर्ट कछुआ भाई जब टोटल हमारे पास 6 कछुए हो चुके हैं तो एक काम करते हैं अब चलते हैं अपने बेस पे ये भाई हम आ चुके हैं बर्फील दुनिया में और गाइस एक हमको मिल चुका है यूज एग पता नहीं गाइस यूज एग से कौन सा पोकेमॉन निकलेगा तो फिलहाल गाइस आई एम टू मच एक्साइटेड मुझे पहला मिला है यूज एग जो कि भाई साहब आइस टाइप का है तो उसको उठा लेते हैं लेकिन यार मेरी इन्वेंट्री पूरी की फुल है तो एक काम करते हैं कुछ ड्रॉप कर देते हैं कोई चीज़ ड्रॉप कर देते हैं क्या ड्रॉप होगी मशरूम कर देते हैं काम करें मशरूम भाई मशरूम करते हैं ड्रॉप सो भाई साहब क्या बात है यार तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग है तो गाइस वेलकम इन एस्टल माउंटेन्स तो भाई साहब आ चुके हैं बर्फीली दुनिया की छोर पे नहीं बोल सकते अभी तो हमने एक्सप्लोर करना भी ढंग से चालू नहीं किया तो गलती से मैं यहाँ आ गया डंजन बोल रहा हूँ मतलब फास्ट ट्रैवल ढूंढता हुआ तो गाइस यहाँ पर मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ तो भाई मेरे पास जो थे कोल्ड आर्मर भी था तो मैंने को बोला क्यों ना गाइस सामने क्या है कोई पोकेमॉन बॉस तो नहीं है चलो गाइस एक बार क्यों ना चेक किया जाए सो यार गाइस यहाँ तो चिलेट हैं और गाइस कुछ भाई सब खजाने की क्रिएटिव रखे हैं और चिलेट का लेवल कितना लेवल की चिलेट है भाई साहब थोड़ा आगे चलो तो पता चलेगा चिलेट का लेवल चिलेट भाई साहब 30-32 लेवल के चिलेट हैं मतलब भाई खतरनाक ही लेवल के चिलेट है गाइस 32-36 लेवल के चिलेट है भैया ये किस एरिया में आ गया भाई एस्टर्न माउंटेन में तो हमें लगता है कि गाइस हमारी तरफ तो चिलेट भाई 10-11 लेवल का तो बॉस ही पकड़ा था हमने पहला सबसे पहले चिलेट हमें लगा यही गॉड है भाई चिलेट में लेकिन ये तो भाई साहब उसके बाप घूम रहे हैं यहाँ पर हालांकि साइज भी छोटे हैं लेकिन है बहुत बड़े तो काम करते हैं भाई साहब अपने खाना बना खिला देते हैं गाइस बीकन का मुझे सेटल बनाना है यार जो मेरा नाइट विंग है यार बहुत स्लो उड़ता है और गाइस अब मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे पोकेमॉन्स भी है तो मैं नाइट विंग को रिप्लेस कर सकता हूँ अपने दूसरे पोकेमॉन से लेकिन उसके लिए मुझे यार 34 का होना पड़ेगा तो यहाँ पर गाइस मेरे जो कुछ अंडे हैं जो भाई साहब हैच हो चुके हैं बस मुझे उनको खोलने की देर है तो पहला लार्ज एग खोलते हैं क्या मिलता है पायरेन नॉक्ट गाइस मेरे पास पता नहीं कितने पायरेन नॉक्ट निकल चुके हैं लार्ज एग से दूसरा भाई साहब रेप्टायर पता नहीं कितने रेप्टायर निकल चुके हैं तीसरा निकल गया गाइस भाई साहब पायरेन नॉक्ट मतलब पायरेन नॉक्ट ने तो भाई साहब मेरे पीछा ही पकड़ रखा है तो एक काम करते हैं अंडे भी मिले तो मुझे लगातार इसको यूज एग इसमें डाल देते हैं हाँ यूज आ गया ना यूज आ गया ना लार्ज एग अरे यूज एग भी तो मिला था मेरे को यूज एग लगा दिया लगा पहला यूज एग था मैं भूल गया तो एक काम करते हैं गाइस जो अंडे बंडे हैं वो सब इधर डाल देते हैं एंड भैया लार्ज कॉमन एग इसको लगाते हैं एक बार लार्ज कॉमन एग से कुछ भाई साहब अतरंगी सा पोकेमॉन हो सकता है लेकिन गाइस अभी तो यहाँ कोई भी जगह खाली नहीं है फिलहाल के लिए एक काम करते हैं अरे यार
नहीं करना, चलो कर देते हैं काम करके, चेंज कर दिया हमने। और बाकी के जो अंडे हैं वापस डाल देते हैं अपने पास में गाइस। और एक बार केक वेक के लिए हम रेसिपी देख लेते हैं आखिर केक के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा, क्योंकि गाइस हमें केक भी खिलाना है अपने पोकेमोन्स को। तो गाइस हमारी गाय और गाइस हमने बॉस पोकेमोन पकड़ा था जो कि गाइस मतलब भाई हाँ मतलब जो ऊन वगैरह बनाता है ये लोग को भाई है, क्या नाम है इसका यार, ये मैंने बॉस पकड़ा था, कितना बड़ा देख रहा हूँ साइज का। तो यार ये पाल फ्लूट भी क्रिएट मतलब बना रहा है यार, सबसे अच्छी बात है पाल फ्लूट दूध और भाई साहब ऊन, मतलब हमें अब कपड़े की कोई भी कमी नहीं होने वाली, ना ही दूध की, और पाल फ्लूट भी हमें मिलता रहेगा। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ा काम हो गया। तो हमें कुछ नहीं बस यार एक आध दो बी और पकड़ के लानी है जो कि हमारे लिए शहद बनाने का काम करें। और गाइस फटाफट पाल को थोड़ा अपग्रेड और कर देंगे मतलब बेस को, ताकि हम एक्स्ट्रा पोकेमोन भी दो अपने बेस पे रख सकें। तो भैया एक मर्चेंट आया हुआ है हमारे बेस पे, तो इसके साथ मतलब सामान कुछ बेच देते हैं। तो गाइस कुछ सामान पड़ा तो अब बेच देते हैं, इसको एक काम करते हैं जो भी है। और बेच दिया हमने गाइस काफ़ी 25-26 हज़ार रुपये में हमें मिल चुके हैं, 26 हज़ार से हम इसके बदले में कुछ सामान खरीद लेते हैं इससे। इसके बाद अंडे वंडे हैं और गाइस इसके बाद लेकिन हनी नहीं है, हमें हनी की ज़रूरत थी। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा अंडे ले लेते हैं, क्योंकि गाइस हमारे पास चिकी भी नहीं है, हमें एक बड़ा चिकी भी नहीं मिला अभी तक, मिलेगा तो गाइस पक्का लेके आएंगे उसको, तो यहाँ पर बेस पे छोड़ देंगे क्योंकि अंडे प्रोड्यूस करेगा। तो 100 अंडे खरीद लिए और 100 बोन खरीद लेते हैं, यार बोन बहुत ज़रूरत है क्योंकि हाइपर स्पेयर बिना बोन के नहीं बनेगा, तो बोन खरीद लेते हैं। और क्या इसके पास पाल फ्रूट हमारे पास है, हाई क्वालिटी पाल भी बहुत हमारे पास, सिंग विंग हमें नहीं चाहिए, हमें तो उल्टा बेच देंगे, बेचे हमें सिंग, हमारे पास सिंग बहुत ज़्यादा थे, इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए ना ही ये वाला चाहिए, हमारे पास एकदम नहीं है। तो अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सामान चाहिए भाई, एक काम करते हैं थोड़ी सी बोन और ले लेते हैं गाइस, बोन नहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं गाइस फटाफट यार चलते हैं अपने, देख लेते हैं हमारे दोस्तों ने अंडा दिया देने के लिए एलिजिबल हुए कि नहीं हुए। तो केक गाइस यहाँ पर हमारे जो हैं एक बार में कितने बन सकते हैं, 3 केक, क्योंकि हनी कम है हमारे पास, अंडे वंडे बहुत हैं। तो एक काम करते हैं तीनों केकों को बेक करने के लिए छोड़ देते हैं, यार केक बनने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है यार, बहुत ज़्यादा मतलब यार बहुत ज़्यादा। तो गाइस यार ये लोग केक बहुत देर में बना पाते हैं, केक अगर जल्दी बनता तो भाई साहब हमारा भाई अनुबिस की आर्मी खड़ी कर देता। तो फटाफट के लिए यार गाइस थोड़ा हनी भी चाहिए, हमारे पास हनी भी ख़त्म हो चुका है, और गाइस फटाक से यार जल्दी जल्दी केक बन जाता है। उसके बाद में अपना एक अनुबिस का अंडा हमने लगा भी रखा है हैच होने के लिए, तो खोलते हैं, लेकिन अभी इसमें वक्त है, जब तक के लिए यार कुछ पोकेमोन पकड़ लेते हैं और थोड़ा लेवल बढ़ा लेते हैं। जब तक यार गाइस हमारे अंडे जो हैं इनक्यूबेट हो रहे हैं, तो तब तक क्यों ना भाई साहब इस सिंडिकेट वाले लड़ा जाए, पता नहीं मैं इसको हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा गाइस, क्योंकि मैं अभी तक इससे लड़ने भी नहीं गया हूँ गाइस, मैं एक बार गया हूँ तो 30-32 हज़ार इसकी एक्सी थी। और फिलहाल के लिए गाइस तुम्हारा भाई का लेवल भी ठीक ठाक है और पोकेमोन भी मेरे पास समय ठीक ठाक है, और गाइस एक ग्रिजली यूज़ करता है जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है। तो फटाफट यार काम करते हैं गाइस, देखते हैं गाइस तगड़ा भाई, देखो ये अपने भाई साहब पोकेमोन के ऊपर बैठ कर ही लड़ने आती है, इसका नाम है भाई साहब ग्रिज बोल्ट, सब जो ही यानी ग्रिज बोल्ट, जो ही जो है इसका मतलब ट्रेनर है, और ग्रिज बोल्ट का पोकेमोन है। तो मैंने अपना जो भाई साहब मतलब फ्लैश हॉल नॉक को भेजा है जो कि गाइस 37 लेवल का है, और मेरे पास फ्लैश हॉल भी है। फिलहाल के लिए मैं लेके आऊँ दो मतलब एक इलेक्ट्रिक टाइप, दो फायर टाइप, दो ग्राउंड टाइप, और मतलब अपना जो रहता है हमेशा की तरह नाइट ड्यूटी। यार कैमरे तो अच्छा खासा देख रहा है, मुझे लग रहा है इसको तो हरा देंगे वो भी बहुत जल्दी, क्या लगता है भाई साहब। फिलहाल के लिए भाई साहब नॉक को तेरम पानी कर रहा है, और ये मैं सिर्फ मेरे पीछे पड़ा मतलब शॉर्ट मतलब सिर्फ ये मेरे पीछे पड़ा है, ना कि मेरे पॉपकॉर्न के पीछे भाई शॉर्ट ये है। तो भाई नॉक टेन की तो एच पी हिला भी नहीं पा रहा गाइस, क्या बंदा रही, क्या मतलब क्या बॉस बनेगा रही। तो गाइस यहाँ तो मेरे पोकेमोन ने इसकी हालत ही ख़राब कर दी गाइस, मेरे को लगा था इसको मैं हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसको तो भाई साहब मैंने 2-2.5 मिनट में हरा दिया लगभग, देखो 10 मिनट का टाइम मिलता है, अभी 7.5 मिनट बची भी है, तो मतलब लगभग 3 मिनट अभी हुए हैं, 3 मिनट पूरे भी नहीं हो पाएंगे गाइस, मैं भाई पता नहीं सकते उसको तुरंत मार सकते, तो मैंने कोशिश की गाइस 3 मिनट से पहले हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो क्या बात है भाई, तुम्हारा भाई मतलब प्रो होते जा रहा है, क्या लगता है गाइस, मतलब भाई साहब उस सांप पोकेमोन को पकड़ सकते हैं 44 लेवल का गाइस, उसका नाम ही भूल जाता हूँ यार मैं, क्या नाम है उसका भाई साहब जो गाइस सांप जैसा दिखता है 44 लेवल का वाटर टाइप का, बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो गाइस अब हमने ये वाला भी जो है इनेबल कर दिया है, मतलब फास्ट ट्रैवल खुल गया है, तो यहाँ से जाने के लिए मेरे को बता रहा है कि आपको उड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, हमारे पास पोकेमोन है उड़ने वाला, इतनी टेंशन नहीं लेने की,
तो यार हमने इसको हरा दिया और एक बार अभी यार 3 मिनट हुए, अभी तो हमारा अंडा 3 मिनट में कहाँ हिला होगा। तो काम करते हैं जब तक थोड़ा सा और पोकेमोन पकड़ लेते हैं, जब तक हमारा अंडा भी हैच हो रहा है, क्योंकि गाइस आज तुम्हारा भाई बिना एनुबिस निकाले नहीं मानने वाला। तो बहुत ज़्यादा टाइम पास करने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारा जो लार्ज एग मतलब ह्यूज एग था गाइस, बूम गाइस, एनुबिस वेलकम इन डॉक्टर जादू। तो गाइस अपना एनुबिस जो है आ चुका है और गाइस हमने बदले में लार्ज एग डाल दिया है। और एक बार भैया अपने पाल बॉक्स में चल के चेक कर लेते हैं अपना एनुबिस को। कहाँ गया भैया एनुबिस, 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 एनुबिस कहाँ गया भैया हमारा एनुबिस? भाई गॉड पोकेमोन गाइस, ये मतलब काम करने में मतलब ऑलराउंडर है, लड़ाने में कहीं भेज दो भाई, किसी भी जगह भेज दो, हर जगह तुम्हें अपना वेस्ट देगा, बहुत तगड़ा है। तो भाई एक बार देख लेते हैं कि हमारा एनुबिस जो कि बच्चा है और इसकी दूसरी खासियत जानते हो गाइस, और पोकेमोन के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा फास्ट तो है, साथ ही साथ जो अपना लेवल भी उतने ही तेज़ी से मतलब बढ़ाता भाई, जितनी तेज़ी से मतलब नाम है इतना उतनी तेज़ी से अपना लेवल भी इंक्रीज करता है। तो गाइस समझ रहे हो ना, एक नंबर का पोकेमोन भाई, इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है इसकी तारीफ में। तो फिलहाल के लिए गाइस निकल चुका है और हमने और भी ब्रीडिंग के लिए छोड़ रखा है अभी अपने पेयर को, मैं चाहता हूँ 4-5 हमारे एनुबिस निकल जाए और जो कि हमारे यहाँ पर आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा हमें फास्ट काम की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई साहब इसलिए मैं पहली तारीख रख रहा हूँ ताकि एनुबिस जो अपना 30-35 लेवल का रहे और दबा के काम करे। तो फटाफट यार फाइटिंग के लिए ले गए, तो भाई ये भाई पोकेमोन की हवा स्टार्ट कर देता है। एक बार देख रहे थे पोकेमोन भाई जो अभी तो लेवल बन की है, तो एक काम करना पड़ेगा हमें एनुबिस को थोड़ी जगह ले जाना पड़ेगा जो कि फाइट करे। तो फिलहाल के लिए यार अभी हमने बंबू भूटान नहीं पकड़ा है जो कि 38 लेवल का बॉस पोकेमोन है, तो एक काम करते हैं उसके एरिया में चलते हैं और अपने एनुबिस को भी लेके जाएंगे और देखते हैं गाइस एनुबिस क्या कर पाता है इतने लो लेवल पे भी। सर गाइस इस बंबू भूटान की जो यार एक क्वालिटी है ये हिडन रहता है, ये मैप पर नहीं दिखता, ये आपको ढूंढना पड़ेगा बाई चांस, अगर आपको कभी टकरार हो गई जैसे कि, तो भाई जब तभी आपको समझ आएगा कि बेम्बू भूटान भी बॉस है, लेकिन जब इसको मार दोगे तब आपको शायद ये दिखने लगेगा। फिलहाल के लिए वो घूम रहा है सामने हमारा बेम्बू भूटान, तो मैं लेके आऊँ गाइस फाइट टाइप, ग्रास टाइप और यार मतलब विंड टाइप और अपना एक एनुबिस तो साथ में है ही न्यूट्रल। तो फिलहाल के लिए गाइस बेम्बू भूटान का साइज देख रहा पूरा गेंडा सिंह है भाई, जो 38 लेवल का है, 4000 से ज़्यादा इसकी एचपी है। तो फिलहाल के लिए मैंने नॉक आउट को छोड़ दिया है और गाइस एग्रेसिव कमांड भी दे देता हूँ, एक काम करता हूँ ताकि उसको निपटा आ सके। गाइस सब लड़ाई चालू हो चुकी है और देखते हैं भाई नॉक आउट मतलब भारी पड़ता है, बता सकते मुझे लगता है हरा तो नहीं हो गया, 38 लेवल का अगर हरा दिया गाइस तो मतलब 35-33 लेवल तो हम 100% तो सांप के बच्चे को हरा देंगे जो कि 44 लेवल का है। फिलहाल के लिए अपनी ट्रेनिंग हो चुकी रहेगी और हमारा जो एनुबिस है गाइस वो भी ट्रेन होता रहेगा, उसका लेवल भी अप हो जाएगा। एनुबिस सब बैंड पर रखा के 27 लेवल का हो गया है यार, एनुबिस तो इसकी अटैक मिटा दिया, अभी बहुत छोटा है बच्चा है अभी, अभी तो उसका लेवल 7 ही है, अभी तो ये लेवल मुझे लगता है बहुत जल्दी बढ़ाने वाला है, जितना मैं इसको लड़वाऊंगा उतना जल्दी बढ़ाएगा। भाई बीकन जो है गाइस इलेक्ट्रिक टाइप है, लेकिन गाइस हाँ ठीक ठाक है इसका लेवल, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो फाइट टाइप से है जो ब्लैक होल नॉक है, ब्लैक होल ये ज़्यादा खतरनाक मुझे लगता है अटैक देते हैं भाई, मेरे को मारता है भाई साहब बुजुर्ग है ऐसा लगा देखने में दादाजी है दादाजी, और ये मेरे को ही मारता है ये लड़ाई पट के हेड शॉट, और ये बंबू बुटान का इतनी आसानी से आने वाला नहीं है गाइस, क्योंकि ये बहुत यार वीक किस्म का पोकेमोन है गाइस। तो भाई मेरे पास जो है हाइपर बॉल मैंने बना ली है, मेरा लेवल जो है भाई साहब 27 के ऊपर हो गया था, तो भाई साहब मेरा जो है 27 के बाद आप हाइपर बॉल बना सकते हो, मैंने हाइपर बॉल बना रखी है तो कोशिश करेंगे कि हाइपर बॉल ज़्यादा ना कर दो क्योंकि बहुत दिक्कत से बनती है। तो बड़ा बड़ा यार बीटर तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहा है और ट्राई करते रहे थे बैम्बू बुटान कितनी बार बॉल फेंकने में आती है, बैम्बू बुटान की यार बहुत लो एचपी हो चुकी है और मैं कम से कम कई बॉलें फेंक चुका हूँ अभी तक, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहा यार, मर ना जाए यार बहुत देर से लग रहा है, टाइम मेहनत करवा दिया, तो काम करता हूँ मैं अपने पोकेमोन को रिटर्न बुला लेता हूँ, अगर थोड़ा सा डैमेज मैं देता रहूँगा फिक्सर के थ्रू ताकि थोड़ा सा डैमेज होता रहा है, मार ना यार मुझे डर भी लग रहा है बहुत देर होगी सर की यार, बब्बू भूटान को पकड़ना था गाइस, लेकिन यार ये गलतना हो सकता है, ब्लैश बॉल को वो बहुत पोकेमोन बर्बाद हो रही है यार, ऐसे तो पास खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस जो मैंने बब्बू भूटान को भाई सब लगभग अभी यार राजा भाई मतलब उनने मेरी 15 बॉलें खराब करवा दी गई, 15 बॉल
मेरी बेस दबा दी, एक गोली दो गोली दो गोली मार दी और सारी हेल्थ की बचिया। मैं इसके बाद गोली भी नहीं मार सकता यार। अरे आ जाना था, मैंने गोली मारी मर जा रहा है यार, बताओ। उसकी एच पी देख रहा हूँ भाई, मतलब लिटरली आपको ढंग से पता नहीं है। चलो फाइनली वेलकम इन माय लॉबी बॉम्बू भूटान। तो गाइस बॉम्बू भूटान आ चुका है फाइनली, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी लेकिन गाइस आ गया फाइनली एक और बॉस 38 लेवल का। तो गाइस तरक्की तो तरक्की द्वारा भाई किए जा रहा है, लेकिन आप लोग अभी जो लाइक सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबा रहे, तो एक काम करते हैं यार, वापस से चलते हैं अपने बेस पे। सो गाइस आ चुके हैं अपने बेस पे और गाइस बॉम्बू भूटान, अरे भाई साहब एनुबिस का भाई लेवल 25 हो गया, अभी सिर्फ लेवल 7 था इसका। अरे क्या खतरनाक तरीके से अपना लेवल को बढ़ा रहा है भाई एनुबिस को, गॉड। बाकी भाई ऐसे ही गॉड नहीं कहते इसको। तो फिलहाल के लिए गाइस जो मेरा एक और अंडे से जो निकला था गाइस, वो निकला था बॉम्बू भूटान आइस वाला, मतलब बर्फ़ वाला मेरा, लेकिन वो बच्चा अभी लेवल बनता है। तो मेरे पास दोनों बॉम्बू भूटान हो गए, बर्फ आइस वाला भी हो गया, ग्रास टाइप वाला भी हो गया। और भाई साहब मेरा जो है मतलब वैनुरेम जो क्या है ना उसका, वैनुरेम मेरे पास फायर टाइप का भी है और आइस टाइप का भी है। और गाइस आइस टाइप का देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है भाई। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये तो रहा अपना एनुबिस घोड़े पे सवार, ये रहा भाई वैनुरेम। भाई सब ये है आइस वाला, सबसे रेयर पोकेमोन है गाइस ये, मतलब बहुत कम देखने को मिलेगा आप लोगों को। देख रहे हो क्या प्यारा गजब का लग रहा है। और गाइस ये तो ये है अभी, ये बच्चा है, और ये इसका जो है भाई जो फायर टाइप वाला, इसको तो मैंने पकड़ा था जंगली पोकेमोन है। और इसके अलावा गाइस जो हमारा, आप एक बार दिखा लेते हैं हम आपको अपना आइस वाला बॉम्बू भूटान। साइज में कोई कमी नहीं है, हालांकि बॉस है, लेकिन ये गाइस ये जो है बॉस ही है। ये निकला था इसके ऊपर बॉस का सिंबल बना हुआ था, देखो उसमें आपको दिख भी रहा होगा बॉस का सिंबल सीन बने हुए, तो ये बॉस का सिंबल है, मतलब लेवल ऑफ लेजेंडरी का रहता है ये। ये अपना है ग्रास टाइप वाला, शायद ग्रास टाइप वाला जो आइस टाइप वाले से थोड़ा सा छोटा है, कुछ खास नहीं, थोड़ा सा फिलहाल, हाँ थोड़ा सा 19 का वर्ग है, ज़्यादा नहीं है। तो गाइस अपना एक दूसरा भी बेस है जहाँ पर सिर्फ हम माइनिंग करवाते हैं टर्टोइस से, और 2-3 टर्टोइस हमने अपने पास रखे और बाकी ये टर्टोइस वहाँ छोड़ लेते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ हम माइनिंग करवाएंगे। और गाइस एक दो मतलब खाना वाना उगाने वाले पोकेमोन छोड़ देंगे, जो खाना वाना बनाते रहे, एक वाटर टाइप का, ग्रास टाइप का, और भाई साहब जो बीज डालते रहे, बाकी के सारे हम छोड़ने वाले हैं वहाँ पर जो है टर्टोइस कछुए। और गाइस हमें ढेर सारा इंगट मिलता है, और इंगट की माइनिंग भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा लेवल और अप करना पड़ेगा। लेकिन इंगट की छोटी मिनी माइनिंग बना दी है, लेकिन लार्ज माइनिंग भी है जहाँ पर भाई साहब सिर्फ और सिर्फ वो पोकेमोन काम करेंगे जो सिर्फ स्पेशलिस्ट है माइनिंग करने में। देख लो अंडा तैयार है गाइस, हमारा केक अभी नहीं लगा है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, बंद करते हैं गाइस, मिलते हैं कल वाली वीडियो में, और कल दिखाएंगे आपको गाइस बाकी के कितने और एनुबिस और कौन कौन से हम ब्रीड करने वाले हैं पोकेमोन। और हाँ गाइस कोशिश करेंगे कि खतरनाक से खतरनाक और भी पोकेमोन पकड़ने की। भाई साहब आज ही मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।